अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.2 पेज नंबर 207 क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर ए हम अभी नहीं करेंगे। बी है, द फॉलोइंग डेटा शोज दैट द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स अब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, हमारे पास तीन रोज ड्रॉ की गई हैं जिसमें स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के मार्क्स और स्टैटिस्टिक के मार्क्स मौजूद हैं। हमने फाइंड करना है कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन बाय टेकिंग द डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल्स एक्स फ्रॉम 50 एंड ऑफ वेरिएबल वाई फ्रॉम 60। थर्ड चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, डू द रिजल्ट्स इन 1 and 2 एग्री। ठीक है, कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। दूसरे में भी हमने कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, लेकिन उसने क्या कहा है, आपने डेविएशंस लेनी है एक्स में से, 50 फ्रॉम एक्स एंड 60 फ्रॉम वाई। और लास्ट चीज़ हमने प्रूफ करनी है कि क्या जो 1 और 2 में रिजल्ट आए हैं वो मिलते जुलते हैं, डिफरेंट हैं, कैसे हैं। ठीक है, हमने उसके बारे में नतीजे निकाला। आए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर बी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बच्चों जो इकोनॉमिक्स की वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, जो स्टैटिस्टिक की वैल्यूज हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई से। वैल्यूज किस तरह है, 78, 36, 96, 25, 75, 82, 90, 62, 65 and 39. Y की values हैं 83, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58, 53 and 57। तो बच्चों इसके अलावा जो हमने कॉलम ड्रॉ करने हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं, वो है एक्स वाई का, एक्स के स्क्वायर का और वाई के स्क्वायर का। तो बच्चों जो कॉलम आएगा वो हमारे पास ये होगा। तो बच्चों हमारे पास कुछ ये कॉलम्स आएंगे, नीचे मैंने लाइन ड्रॉ की है बच्चों, वो इनका सम है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक्स वाई, एक्स वाई का प्रोडक्ट, एक्स का स्क्वायर और वाई के स्क्वायर का कॉलम ड्रॉ होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने चूंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है तो देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास आएगा आर इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ब्रैकेट क्लोज। इसके साथ बच्चों एक और ब्रैकेट आएगी, समीशन वाई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर बच्चों, तो इसके अंदर जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो कुछ ये फॉर्म बनेगी, आएगा 4, 5, 4, 2, 2 माइनस, मैं इसे थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आपको गलती ना लगे, 4, 5, 4, 2, 2 माइनस 6, 48 मल्टीप्लाई बाय 6, 60 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। बच्चों ये वैल्यू सारी गिवन है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये आएगा 4, 7, 2, 6, 0 माइनस 6, 48 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 ब्रैकेट क्लोज। यहां मुझे एक और ब्रैकेट आएगी चूंकि जगह नहीं है, ऊपर करके लिख देती हूँ, यह आएगी हमारे पास 4, 5, 7, 8, 4 माइनस 660 डिवाइडेड बाय 10 उसका होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके साथ
सॉल्व करेंगे तो आज की वैल्यू बच्चों आएगी 0.7752। यहां हमारा क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, यहां हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट शुरू हुआ। इसका सेकंड पार्ट क्या था बच्चों, हम उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें फिर से 7 कॉलम्स ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए बच्चों ड्रॉ करते हैं। ये था इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा एक्स का कॉलम। एक्स की वैल्यूज है 78, 36, 96, 25, 75, 82, 90, 62, 65 and 39। नेक्स्ट कॉलम बच्चों हम ड्रॉ करेंगे वाई का, तो वैल्यूज कुछ इस तरह आए, उसको लिख लेते हैं 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58, 53 and 47। अब जो क्वेश्चन स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या थी, क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने कंप्यूट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय टेकिंग द डेविएशन ऑफ अ वेरिएबल एक्स फ्रॉम 50 एंड वेरिएबल वाई फ्रॉम 60। यानी कि एक्स से 60 और वाई से 60 लेना है, तो यू हमारे पास आएगा एक्स माइनस 50। इसी तरह वी हमारे पास आएगा वाई माइनस 60। तो ये एक्स्ट्रा कॉलम्स यहाँ पे ड्रॉ होंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट थी तो इसलिए हम फाइंड करेंगे, तो कॉलम कुछ इस तरह आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये कॉलम्स आ जाएंगे, एक्स का कॉलम आएगा, वाई का कॉलम आएगा, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 50, वी इज इक्वल टू वाई माइनस 60, उनका प्रोडक्ट और उन दोनों का सेपरेटली स्क्वायर। अब बच्चों u इज इक्वल टू एक्स माइनस 50 कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में इसने कहा था कंप्यूट द कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन बाय टेकिंग द डेविएशन ऑफ अ वेरिएबल x फ्रॉम 50। ठीक है, यानी वेरिएबल x में से आपने 50 क्या कर देने है, माइनस कर देने है। तो हमारे पास x और y वेरिएबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, u में। इसी तरह उसने कहा था कि फाइंड करना है वेरिएबल ऑफ y फ्रॉम 60, तो हमने y में से 60 को माइनस कर दिया। तो बच्चों कॉलम हमारे पास आ गया v का, इसके बाद u और v का हमने प्रोडक्ट निकाला, यानी 28 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 672 आया। इसी तरह पूरा कॉलम आ गया। लास्ट में हमने u का स्केयर और v स्केयर का कॉलम ड्रॉ किया। u का स्केयर हमने कैसे निकाला, हमने u की वैल्यूज का स्केयर लिया तो हमारे पास कॉलम आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम फाइंड करते हैं वैल्यूज को r की। r का फॉर्मूला होगा r u v इज इक्वल टू समीशन u v माइनस समीशन u समीशन v डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय समीशन u का स्क्वायर माइनस समीशन u का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट समीशन v का स्क्वायर माइनस समीशन v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है बच्चों, और साथ क्या आएगा स्क्वायर। जब वैल्यूज पुट करते हैं तो आता है 3542 माइनस 148 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7460 माइनस 148 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट एंड। अब जो उसके लिए जगह लिए थे उसको गुड फॉर्म कर देते, ये देखिए आपके पास आएगा यहाँ पे 25
माइनस 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 ब्रैकेट क्लोज इसके साथ है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.7752। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड हुआ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में है कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वाई रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। बच्चों हमारे पास एक्स और वाई का टेबल ड्रॉ किया गया है, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई ईच एक्स वैल्यू बाय 2 एंड ऐड 6। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई वाई वैल्यू बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट 15। फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू न्यू सेट ऑफ वैल्यूज एक्सप्लेनिंग व्हाई यू डू आर डू नॉट अबटेन द सेम रिजल्ट्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक्स और वाई का कॉलम ड्रॉ किया गया, एक्स की वैल्यूज हैं 2, 4, 5, 6, 8, 11, वाई है 18, 12, 10, 8, 7, 5। जो नया कॉलम ड्रॉ होगा वो यू होगा, मुझे उसने कहा है मल्टीप्लाई ईच एक्स वैल्यू बाय 2, यानी कि एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ एंड ऐड 6, तो मैंने 6 ऐड कर दिया। दूसरा उसने बी के लिए बताया वो क्या है, मल्टीप्लाई ईच वाई बाय 3, यानी कि वाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट 15 और 15 इससे माइनस कर देंगे, फिर ये कॉलम ड्रॉ। ठीक है बच्चों, तो वही वाला काम हो गया, हमने एक्स वाई ड्रॉ किया, यू और वी लिखा, इसके बाद यू वी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यू का स्केयर और वी का स्केयर फाइंड करेंगे, तो वैल्यूज कुछ इस तरह आएंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास सेट। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने आर की वैल्यू को पुट करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना। चलो बच्चों हम इसको फाइंड करते हैं। आर एक्स वाई निकालेंगे, फॉर्मूला होगा समीशन एक्स वाई
माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। मुझे ये फॉर्मूला हम बार बार कर चुके हैं। यह समीशन वाई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखना बच्चों, ये दोनों का आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, यानी कि माइनस 0.92 ही आएगा। तो हम कह देंगे वी अटेन द सेम रिजल्ट। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।